ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 के 24वें मुकाबले में नीदरलैंड को 309 रनों से हरा दिया है। यह वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी टीम की रन के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 257 रनों का था। ऑस्ट्रेलिया ने ही 2015 में पर्थ में अफगानिस्तान को इस अंतर से हराया था। ग्लेन मैक्सवेल वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 44 गेंदों का सामना करते हुए 106 रनों की शतकीय पारी खेली। उनके अलावा डेविड वार्नर ने भी सेंचुरी जमाई। वार्नर ने 93 गेंदों पर 104 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 399 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 20.5 ओवर में सिर्फ 90 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और मुकाबला हार गई। वहीं अगर नीदरलैंड की हाइलाइट्स की बात करें तो 400 रनों का टारगेट चेज करने उतरी नीदरलैंड के ओपनर्स ने पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरुआत की। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। टीम ने पावर प्ले में 48 रन बनाने में टॉप 3 विकेट गंवा दिए। वहीं पारी की शुरुआत में विक्रमजीत सिंह और मैक्स ऑडवर्ड की जोड़ी ने कुछ अच्छे शॉट्स जमाए। वहीं इस जोड़ी ने हेजलवुड की ओवर में 14 रन निकाले, फिर चौथा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की बॉल पर 2 चौके जड़े। हालांकि 5वीं ओवर में स्टार्क ने डच टीम को पहला झटका दिया। उन्होंने मैक्स ऑडवर्ड को 6 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने विक्रमजीत सिंह को 25 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट किया। वहीं हेजलवुड ने 10 ओवर में कॉलिन एक्रेमैन को भी सिर्फ 10 रनों पर चलता कर दिया और इसी तरह डच टीम पूरी तरह तबाह हो गई और मुकाबला हार गई। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की हाइलाइट्स की बात करें तो नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने डेविड वार्नर के 104 रन और ग्लेन मैक्सवेल के 106 रनों के शतकों के दम पर 50 ओवर में 8 विकेट पर 399 रन बनाए। वहीं मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक जमाया। उन्होंने एडन मार्करम का भी रिकॉर्ड तोड़ा। उनसे पहले ओपनर डेविड वार्नर ने 93 बॉल पर 104 रनों की शतकीय पारी खेली। वहीं मानस लाबुशेन ने 62 रनों का योगदान दिया। पावर प्ले के मिडिल ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी को निखारा। वहीं टीम ने आखिरी 20 ओवर में 6 विकेट पर 10 के रन रेट से 200 रन बनाए। बीच में नीदरलैंड्स ने लाबुशेन को 62 रन, जोश इंग्लिस को 14 रन, डेविड वार्नर को 104 रन और कैमरून ग्रीन को 8 रनों पर आउट कर टीम पर दबाव बनाया। लेकिन नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने अलग ही रूप में आज बल्लेबाजी की और 40 बॉल पर शतक जमा दिया। उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के जमाए। वहीं डेविड वार्नर ने भी 6ठा वर्ल्ड कप शतक पूरा किया। वहीं अगर नीदरलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो नीदरलैंड के गेंदबाज बास डे लीडे एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने 10 ओवर में 2 विकेट लेकर 115 रन खर्च किए, जबकि लॉगऑन वॉन विक ने 4 विकेट झटके।